माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक अच्छा सवाल आया है, उसका जवाब आज देना चाहूंगा। वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 5 और 6 से सवाल है। बहुत अच्छा सुंदर सवाल, ऐसे ऐसे सवाल ही पूछना चाहिए। उल्टू पुल्टू पूछने से अच्छा है जो बाइबल पढ़ते वक्त हमारे मन में जो आने कुछ डाउट आते हैं। तो इसमें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ ईसा मसीह 12 शिष्यों को चुनने के बाद सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजने के विषय में सबसे पहले उन 12 प्रेरितों का नाम लिखा। इसके बाद ईसा मसीह उन 12 को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेज रहा है, उसी के विषय में वाक्य 5 से मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 5 और 6। ईसा ने इन 12 को अनुदेश देकर भेजा, आदेश दिया बोलता है। क्या आदेश है? अन्य राष्ट्रों के यहां मत जाओ, पहला अन्य राष्ट्रों के यहां मत जाओ, और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो। अन्य राष्ट्रों में नहीं जाना, समारियों के नगरों में भी नहीं जाना, बल्कि इसराइल के घराने के खोई हुई भेड़ों के यहां जाओ। ईसा मसीह 12 प्रेरितों को भेजते हुए कहते हैं, आप लोग अन्य राष्ट्रों में अर्थात अन्य जाति के लोग रहने वाला जगह मत जाओ। जो चुने हुए लोग इसराइल के, इब्राहिम के जो संतान है, जो खतना किया हुआ, इब्राहिम से खतना शुरू हुआ था, वो निशान है चुने हुए लोगों का, जो प्रभु के लोग, उनके पास जाना। वहां पर कई लोग नष्ट होकर के पड़ा है, अंधविश्वास में पड़ी गया, मूर्ति पूजा में पड़ा हुआ है, इसराइल के अंदर ही अन्य देवी देवताएं आए, ऐसे जो खोए हुए भेड़ जो है उनके पास जाना। बल्कि आप कहां नहीं जाना? अन्य राष्ट्र में नहीं जाना और समारियों के नगर में नहीं जाना। क्या कारण है ईसा मसीह ने ऐसा बोला? क्या ईसा मसीह संसार में आया केवल इसराइलियों को बचाने के लिए आया? बहुत अच्छा एक सवाल, मुझे अच्छा लगा। इस सवाल का उत्तर संक्षिप्त में आज सिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ईसा मसीह ने भी कहा है जैसे एक अन्य जाति के ही एक औरत है, अपने बेटी के लिए अनुरोध कर रहे थे, हमारी बेटी बीमार है, उसे चंगा कर दीजिए, एक शब्द बोलना था वो चंगी हो जाएगी। देखो कितना विश्वास के साथ वो आग्रह कर रहे हैं, मेरे बेटी को चंगा कर दो। लेकिन ईसा मसीह ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तब शिष्य लोगों ने बोला, बहुत समय से वो पीछे आ रहे हैं, उनको थोड़ा देख लीजिए। तब ईसा मसीह बोलते हैं, बच्चों का जो रोटी है वो कुत्तों को नहीं देना चाहिए, पिल्लों को नहीं देना चाहिए करके। तब तुरंत स्त्री बोलते हैं, अपने स्वामी के मेज से गिरने वाला जो टुकड़ा जो जमीन में गिरते हैं, जो पिल्ले कुत्ते वगैरह जो उसको खा करके जीते हैं करके। बहुत सुंदर बोला।
यहां पर वो पिल्ले या कुत्ते ये जो बोलने का, ये अविश्वासी लोगों के समुदाय के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्थात ईसा मसीह आया है खोए हुए उनके लिए कर करके। इसका मतलब क्या ईसा मसीह उनके ही मुक्ति के लिए आया? क्या ईसा मसीह ने केवल यहूदियों के बीच में काम किया? हमें मिलेगा जैसे मैंने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 के जो 7 रोटी और कुछ मछलियों का जो चमत्कार हुआ था उसके विषय में, इसे पूर्व में मैंने क्लास लिया था, उस क्लास में भी मैंने बोला था वो चमत्कार गैर यहूदियों के बीच में हुआ है। उसके लिए मैंने एक दो उदाहरण बता करके दिया था। गैर यहूदी वो प्रांत वो इलाका गैर यहूदी क्षेत्र था पहला। दूसरा, ईसा मसीह ने जो रोटी लेकर के जो कार्य किया, चार बातें मैं सिखाता हूं, लेना रोटी को लेना पहला, दूसरा उसमें आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ना या धन्यवाद देना, ये दोनों में से एक, तीसरा तोड़ना, चौथा देना। इस्राएली लोग यहूदी लोग भोजन के पहले अपने भोजन पर आशीर्वाद देता है, आज की भाषा में बोलेंगे पानी लेकर के उसमें के ऊपर एक क्रूस का चिन्ह लगाने के बाद पीना। खाना सामने रखा है उसके ऊपर एक क्रूस का चिन्ह लगाया, थोड़ा प्रार्थना किया, खाना। आशीर्वाद देने का आदत है यहूदियों का, लेकिन गैर यहूदी लोग क्या करते हैं? जो भोजन मिला है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसका उदाहरण देने के लिए मत्ती का सुसमाचार संत मत्ती ने यहूदियों के लिए लिखा, इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से आगे हम पढ़ेंगे। वहां परम प्रसाद की स्थापना में ईसा मसीह ने रोटी लिया और उसे आशीर्वाद दिया करके लिखा है, लेकिन लूकस ने उस भाग को, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 के अंदर वाक्य 15 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोगों को इस घटना को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ईसा मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, इसके बाद तोड़ा और दिया। उसी प्रकार पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 24 से यही घटना को, संत पौलुस भी कुरिन्थ का जो गैर यहूदी जो समुदाय है, क्योंकि वो गैर यहूदियों का अपस्टल कहा जाता है संत पौलुस को, उन्होंने इसलिए वहां पर रोटी, ईसा मसीह ने रोटी ले लिया और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद तोड़ा और दिया करके लिखा। इसका मतलब है यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में ईसा मसीह गया, सुसमाचार सुनाया और ईसा मसीह ने वहां उनका मन परिवर्तन करवाया। और अध्याय 16 के अंदर यहूदी गैर यहूदी इन समुदाय को पेत्रुस के उस कलीसिया के अधीन कर दिया, पेत्रुस से जुड़ो है वो कलीसिया। फिर आगे बढ़ करके ईसा मसीह ने परम प्रसाद की स्थापना कर वहां पर शरीर रक्त को देता हुआ। इसका मतलब है ईसा मसीह ने यहां पर शिष्य लोगों को क्यों मना किया? सवाल यह है, ईसा मसीह शिष्य लोगों को मना करने के पीछे का मुख्य कारण, वो जो उस समय जब ईसा मसीह ने मना किया उस समय पर मसीही गैर यहूदियों के बीच में स्वर्ग राज्य की शिक्षा देना वो स्वयं नहीं शुरू किया था, और उस समय पर यहूदी गैर यहूदियों के बीच में एक नफरत का दीवार था। वो एक नफरत का दीवार ऐसा खड़े, क्या कारण है? समारी लोगों के विषय में हम लोगों के इतिहास पढ़ने के लिए मिलता है, समारी लोग एक मिक्सेड रेस है, जाति है। यहूदी लोग जब असीरिया के अधीन में रह रहा था, ये यहूदी कुछ लोग
गैर यहूदियों से शादी विवाह करवाया। यहूदी लोग गैर यहूदी के साथ शादी विवाह कर करके जो संतान जन्म लिया, वो जो मिक्सड रेस, उनको समारी लोग बोलते हैं। अभी उन लोगों को अपने तरीके से बाइबल है, पुराना विधान जो पंचग्रंथी, वो अपने तरीके का है। वो यहूदियों का नियम कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहूदियों के लिए पवित्र जगह कहां है? यरूशलेम है। अभी ये समारी लोग, यहूदी लोग जिस जगह को पवित्र माना है, पवित्र मंदिर है, उस जगह पर नहीं जाना। वे लोग एक अलग पहाड़ चुन करके उस पहाड़ पर, जिसको हम लोग गिरासिम कहते हैं, वहां पर वो उसके मंदिर बना करके वहां देवी देवताओं को रख करके पूजा करता था। यरूशलेम के जगह गिरासिम को चुना। कहां मिलेगा? योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह शिष्यों के साथ एक बार सुसमाचार का प्रचार करते करते चल रहे थे। उनको भूख लगा, शिष्यों को बोला थोड़ा रोटी वगैरह खरीद के लाओ, और ईसा मसीह स्वयं याकूब के जो कुआ है उसके पास में बैठा है। वहां पर उस समारिया प्रदेश था, वहां पर एक स्त्री जल भरने के लिए आया। समारी स्त्री के साथ जो संवाद हम सब जानते हैं, इसके पूर्व में संवाद का अर्थ और क्लास में डाला भी है समारी स्त्री के विषय में। मैं सीधा जाना चाहूंगा वाक्य 19 से, जॉन चैप्टर 4 वाक्य 19 ऑनवर्स। वहां पर स्त्री, उस समारी स्त्री और ईसा मसीह के आपस में जो संवाद जो चल रहा है, उसका आखिरी पॉइंट में आ रहा है। वहां पर उस स्त्री ने ईसा मसीह को नबी कह करके पुकार रहा है, क्योंकि ईसा मसीह के शब्दों से एक नबी है, ये विचार उनके मन में आया। वो नबी से स्त्री क्या कहते हैं, हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे। मैंने बोला है गिरासिम पहाड़ पर वे आराधना करते थे समारी लोग। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे, और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। देखो बहुत अच्छा डाउट यहां पूछ रहे, हम लोग तो यहां गिरासिम में, आप लोग यरूशलेम में आराधना करते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं करके। इसके बाद ईसा उनसे उत्तर देता है, नारी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिनकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हैं, हम लोग जिनकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। इसका मतलब सबसे पहले मुक्ति का संदेश यहूदियों को, चुने हुए लोगों को देना जरूरी है, इसके बाद इन लोगों को। इसके बाद क्या कहते हैं वाक्य 23, परंतु वह समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करोगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है जो आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ईसा मसीह यहां पर एक सत्य वहां पर प्रकट करता है। जोशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 24 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, और भी मजेदार ऐसे ऐसे कई पॉइंट हमें मिलेगा। यदि हम लोग इस घटना को देखेंगे, इसके बाद की घटना को देखेंगे, वहां पर हमें मालूम है ये इस महिला के साथ वार्तालाप होने के बाद महिला को पता चला ये तो मसीह है। आगे चल करके मिलेगा, स्त्री ने कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। देखो इसके बाद कहते हैं
जब वो आएंगे तो हम सब कुछ हमें बता देगा। तो ईसा मसीह प्रकट करते हैं, मैं वही हूं, जो तुमसे जो बोल रहा है वही है, क्रिस्त है। इसके बाद वो खड़ा वहां छोड़ करके समारिया में जाते हैं और सारे समारिया में बता करके देता है, मेरे अतीत के विषय में बोलने वाला वो व्यक्ति कहीं मसीह तो नहीं है। तब समारिया के लोग दौड़ करके आते हैं, ईसा मसीह के वचनों को सुनकर ईसा मसीह में मुक्तिदाता में विश्वास करते हैं और समारिया में उस समय पर ईसा मसीह का स्वागत करते हैं। शिष्य लोग और ईसा मसीह समारिया में जाकर के रहते हैं। इसका मतलब केवल यहूदियों का नहीं, समारियों का भी मुक्ति का कार्य मसीह ने किया। लेकिन जब शिष्य लोगों को बताया तब इनके आपस में शत्रुता था, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के सागर में घर में जाना छोड़ो, उनके नगरी में भी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना बड़ा शत्रुता था। अपना धर्म ग्रंथ, अपना पूजा स्थान सब अलग अलग कर करके इतना शत्रुता में रहने वाला लोगों के बीच में ईसा मसीह ने उन्हें नहीं भेजा। क्या कारण है? स्वर्ग राज्य का वचन वो स्वीकार करने उस समय पर योग्य नहीं था। वहां पर केवल लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, वाद विवाद होगा। ईसा मसीह ये नहीं चाहते हैं उनके जो शिष्य लोग वाद विवाद में समय व्यतीत करें। सत्य शिक्षा लोगों को स्वर्ग राज्य देने लायक, उनकी आत्मा को बचाने वाला शिक्षा देने वाले लोग वाद विवाद में नहीं, लोगों को पाप से, गलत संगति से बचाने का कार्य करना है। सही शिक्षा दे करके स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाना है। ईसा मसीह उस समय पर शिष्य लोगों को ऐसे विवाद में या झगड़े में भेजना नहीं चाह रहा था। स्वयं ईसा मसीह ने उसके लिए जगह तैयार करवाया और समारी स्त्री के द्वारा सबसे पहले एक समारी स्त्री समारिया में जाकर के सुसमाचार का घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह वहां प्रवेश करते हैं। ये है। तो ईसा मसीह वहां ना जाने का जो बोला है उसका कारण है, अननेसेसरी डिबेट ना हो, अननेसेसरी झगड़ा ना हो, जो सत्य को तोड़ मरोड़ करके बोल करके कई लोग जो शिक्षा दे रहा है, इस प्रकार का वाद विवाद का जरूरत नहीं। जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखा रहा है उसको जो सीखने का जो कृपा जिसको मिलेगा उनको स्वर्ग राज्य मिलना ही मिलना है। तो ईसा मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में सुनाना स्वयं शुरू किया और पहले प्रभु ने बोला वहां नहीं है, यहूदियों में पहले देना है क्योंकि चुने हुए लोग वहां। जब कुछ चमत्कार देख करके अन्य लोगों में जो आग स्प्रेड होना शुरू होगा तो आपको देना, देने का अवसर तक आपको इंतजार करने की जरूरत भी है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ईसा मसीह हमसे कहते हैं स्वर्ग राज्य के विषय में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। उस समाचार सुनाने का कार्य प्रभु स्वयं हमारे लिए रास्ता खोल करके देगा। कहां प्रभु भेजता है वहां हमें जाना है। समारियों के बीच में, समारियों के नगर में प्रवेश ना करने के लिए इसलिए बोला, उस समय पर समारिया के लोग, यहूदी लोग वहां प्रवेश करना मना था, अनुमति नहीं था, वो स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण ईसा मसीह ने उस समय पर बोला। लेकिन आखिर में प्रभु कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, प्रेरित अध्याय 1:8, वहां पर हम लोग पढ़ते, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें शक्ति देगा, तुम सबसे पहले यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और दुनिया के चारों तरफ कोने में जाकर के सुसमाचार को सुना। जहां सुनाने के लिए मना किया उस समारिया में जाने के लिए प्रभु आखिरी में हमें बताता है। तो समय आने तक हमें इंतजार करना है।
अनुमति मिलने तक हमें इंतजार करना है, योग्य बनने तक हमें इंतजार करना है। वाद विवाद के लिए, झगड़े के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य सबों को मिले वो शिक्षा देने के लिए, सबों की आत्मा को बचाने का कार्य करने के लिए प्रभु हमें भेजेगा। धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।